तो दोस्तों जलालुद्दीन की किस्त नंबर 3 का आगाज़ भी वहीं से होता है जहां पर किस्त नंबर 2 का अख्ताम हुआ था। यानी जलालुद्दीन महल में तशरीफ़ लाते हैं और मलका तारकुन इस लड़की के बारे में पूछती है जिसे जलालुद्दीन अपने साथ लाया होता है। तो जलालुद्दीन, इसका नाम कतलु बकर खानम है और मंगोलों ने इसके कबीले को तबाह कर दिया है। और फिर सुल्तान का पैगाम आता है कि सुल्तान जलालुद्दीन और इसके सिपाहियों को बुला रहे हैं। और फिर जलालुद्दीन अपने साथियों के साथ सुल्तान की खिदमत में पेश होते हैं और सुल्तान इनसे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ और चंगेज़ खान के इरादे क्या हैं। तो जलालुद्दीन इन्हें तफसील से बताता है और फिर जलालुद्दीन सुल्तान को बताता है कि मैं चंगेज़ खान की कैद से एक लड़की को रिहा करवा कर लाया हूँ और इसके कुछ आदमियों को भी मार दिया है जो हमारे पीछे इस लड़की को छुड़वाने के लिए आए थे। और फिर सुल्तान अलाउद्दीन जलालुद्दीन से कहता है कि वो लड़की जिसे तुम चंगेज़ खान की कैद से रिहा करवा कर लाए हो सकता है कि वो इसकी जासूस हो। और फिर सुल्तान जलालुद्दीन को सुल्तान का हुक्म न मानने के जुर्म में जिंदान में डलवा देता है। और दूसरी तरफ चंगेज़ खान अपने बेटे से बात कर रहा होता है कि जिस लड़की को जलालुद्दीन अपने साथ लेकर गया है वो चंगेज़ खान की जासूस है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जलालुद्दीन को महल में सिपाही हथकड़ियाँ लगा कर ले जा रहे होते हैं और इनकी माँ इन्हें देख लेती है और खबर मलका तारकन तक भी पहुँच जाती है और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देती है कि जलालुद्दीन को छुड़वा कर लाओ और खुद सुल्तान से बात करने के लिए चली जाती है। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता और जलालुद्दीन भी तारकन के सिपाहियों से कहता है कि जब तक सुल्तान नहीं कहेंगे मैं जिंदान से बाहर नहीं आऊँगा। और मलका तारकन को भी इस बात का पता चल जाता है कि जलालुद्दीन जिंदान से बाहर नहीं आना चाहता, जिस पर मलका तारकन को बहुत गुस्सा आता है। और फिर हम देखते हैं कि बहराम अपने एक जासूस से सुल्तान अलाउद्दीन की रियासत की अफवाज के मुतालिक कुछ पूछता है और फिर अपने जासूस को मार देता है। और फिर हम देखते हैं कि कतलो हातून बहराम से मिलने इसकी दुकान पर जाती है और वो बहराम को बताती है कि तारकन हातून ने जलालुद्दीन को छुड़वाने के लिए अपने सिपाही भेजे थे। और फिर बहराम इसे कुछ कमांडरों की लिस्ट देता है जो अलाउद्दीन के खिलाफ बगावत करके इसका तख्त उल्ट सकते हैं और कतलो हातून से कहता है कि इस लिस्ट को मलका तारकन के सामान में रख देना ताकि जब अलाउद्दीन इसे देखे तो उसे मलका तारकन पर गुस्सा आए। और फिर वो कतलो हातून को जलालुद्दीन के लिए एक गिफ्ट देता है जिसका बहाना करके वो बहराम की दुकान पर आती है। और दूसरी तरफ जिंदान में जलालुद्दीन कतलो हातून के बारे में सोच रहा होता है कि वहाँ मलका तारकन आती हैं और जलालुद्दीन से शिकवा करती हैं कि मैंने सिपाही भेजे थे लेकिन आपने बाहर आने से इनकार क्यों किया। तो जलालुद्दीन मलका से कहता है कि जब तक सुल्तान नहीं चाहेंगे मैं बाहर नहीं आऊँगा। और फिर इसी वक्त एक सिपाही कतलो हातून का गिफ्ट लेकर आता है जो वो बहराम की दुकान से लेकर आई थी, जिसे देखकर जलालुद्दीन तो खुश होता है लेकिन मलका तारकन थोड़े गुस्से में नजर आती हैं और फिर वो वहां से चली जाती हैं। और फिर जलालुद्दीन की माँ और चेचक खातून सुल्तान से मिलने आती हैं लेकिन इसे पता चलता है कि सुल्तान महरी जान खातून के साथ हैं। और फिर हम देखते हैं कि महरी जान खातून सुल्तान से कहती हैं कि आप हसन को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेज रहे हैं तो अजलिक शाह यानी इसके बेटे को महम पर भेजे और वो इसके लिए सुल्तान को राजी कर लेती है। और फिर अजलिक जलालुद्दीन से मिलने जिंदान में जाता है और इस पर तंज करता है लेकिन बदले में जलालुद्दीन इसे कामयाबी की दुआ देता है। और फिर सुल्तान के दरबार में ये सब लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन जलालुद्दीन मौजूद नहीं होता। वहाँ सुल्तान हसन को गिरफ्तार करके लाने की बात करता है और ये फरीजा जलालुद्दीन को सौंपना चाहता है लेकिन अजलिक ये फरीजा खुद अंजाम देना चाहता है और सुल्तान को इसके लिए राजी कर लेता है। और फिर तैमूर मलिक जलालुद्दीन के पास जिंदान में जाता है और जलालुद्दीन को बताता है कि सुल्तान ने आपको रिहा कर दिया है। और फिर हम देखते हैं कि शहजादा अजलिक हसन को पकड़ने के लिए जा रहा होता है और जल्द ही इसे पकड़ कर महल में ले आता है। और इस दौरान कतलो हातून मलका तारकन के संदूक में वो चीज छुपा देती है जो बहराम ने इसे कमांडर्स की लिस्ट दी थी। और हमें बहराम ये कहता सुनाई देता है कि हसन अपना काम मुकम्मल करके ही आना, यानी हसन का पकड़ा जाना भी बहराम की ही एक चाल है। और दूसरी तरफ मलक तैमूर हसन से पूछगछ कर रहा होता है तो हसन बताता है कि हम ये सब कुछ मलका तारकन के कहने पर कर रहे हैं और इसके शवाहिद मलका के कमरे में मौजूद है। जब ये बात सुल्तान सुनते हैं तो वो गुस्से में आ जाता है और गुस्से की हालत में मलका के कमरे की तरफ जाते हैं। और इस दौरान जलालुद्दीन कतलु से अजहार मोहब्बत करता है और इसके रजामंदी जानना चाहता है कि यही किस्त का अख्ताम हो जाता है। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती है।